आजकल के लोग इसी चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं जो उनको दिखाई देती है, और जो नहीं दिखाई देती है उसको वो कल्पना मान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप लोग क्या जानते हैं कि उसी एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो आपको हर वक्त और हर काम वो आपसे करवा लेता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और बहुत कुछ करने को आप लोग को वो मजबूर कर लेता है, और आप लोग करते ही रहते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं वो चीज़ क्या है? मन है आपका दोस्तों, वो आपका मन ही है जो आपसे बुरा काम करवा लेता है ज़्यादातर। और ज़्यादातर लोग अपने मन की ही सुनते हैं दोस्तों, अपने दिल की नहीं सुनते हैं, इसीलिए वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं अपने लक्ष्य में। तो गाइज, आप लोग अगर आप लोग कुछ पाना है, कुछ आप लोग को पाना है ना, तो आपको पहले सोचना होगा। आप लोगों को एक बार बैठ के सोचिए कि आप लोग उसके अनुसार काम कर रहे हैं या आपके अनुसार आपका मन काम कर रहा है, तो अभी जाके आप सफल हो पाएंगे। और ज्यादातर लोग दुनिया की अपने मन के हिसाब से ही काम करते हैं दोस्तों। और जो सुधर जाता है ना, वो भी अपनी लक्ष्य को पा जाता है। तो गाइज, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं मन की बारे में आप लोग को आज डिस्कस में पूरा डिस्कस होगा आज मन की बारे में। मन ही है जो आपकी मर्जी से आपको काम करवा लेता है, अपनी मर्जी से। वो दुनिया में जितने भी सफल हुए हैं वो अपने मन को अपने काबू में करके ही हुए हैं दोस्तों। और अब आपको सफल होना है, और आप सफल होने के लिए आपको बैठ के सोचिए कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा, तभी आप जाके सफल हो पाएंगे। आप सोचिए कि आपका सपना क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या था। आप अपनी पास्ट को सोचिए कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन सी फैमिली से हैं, क्या करे हैं और क्या करते थे और क्या करना चाहते हैं, तभी जाकर आप लोग सफल हो पाएंगे दोस्तों। तो तब तक आप अपनी मन को कंट्रोल करने के लिए पांच चीज कीजिए। यही पांच छह चीज़ आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे सकता है दोस्तों। पहली चीज़ है संकल्प लीजिए। आप संकल्प लीजिए कि मुझे ये करना ही है। मन की नहीं सुनना है, हमेशा आपकी दिल की सुनिए। जब भी कोई बुरा काम आपके मन क्या होता है ना, घोड़ा जैसा होता है, हर वक्त चलता ही रहता है। एक नहीं, दस दस घोड़े जैसे होते हैं, यहाँ पे एक चल जाता है, वहाँ पे एक चल जाता है। तब आप सोचिए कि आपको मन को शांत रखिए। पहली बात, अपने इच्छा शक्ति को अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीखिए दोस्तों। और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपनी बात बता रहा हूँ दोस्तों, एक मजी बात। जब मैं स्कूल में था, मैं बहुत डरता था। मैं कभी भाषण नहीं दिया हूँ दोस्तों। ये जो आपका जनवरी 26 अगस्त 15 होती है ना, तब स्कूल में सब टॉपिक में बात होती है, तो मैं छुप के बैठता था पीछे और ना हो तो निकल जाता था। आज मुझे हिम्मत मिली है आप लोगों की वजह से, और ये यूट्यूब की वजह से दोस्तों, ताकि मैं कुछ लोगों को सुधार सकूं। एक भी लोग अगर एक भी आदमी सुधर गया ना, तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। इसी से मुझे शक्ति मिलती है। और पहली बात जो होता है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको आना चाहिए। डर के नहीं रहेंगे। क्यों डरते हैं हम लोग? इंसान का जो आता है ना, जन्म लिया है, वो हर वक्त नहीं आएगा आपके ज़िंदगी में। हर वक्त मतलब आप मर जाएंगे तब फिर जन्म लेंगे, उसका कोई गारंटी ही नहीं है। वो बात याद रखिए, तभी जाके आप सफल होंगे। आए हैं यहाँ पे किसी लिए, उसको सोचना होगा। बुरे काम नहीं करने के लिए हम आए हैं दोस्तों। बुरे काम कौन करता है? बुरे काम करने से आपको
यहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा जगह, वो याद रखिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको होनी ही चाहिए। मन को हमेशा शांत रखिए दोस्तों, क्योंकि मन को शांत रखने से ही आप लोग जिंदगी में सफल होंगे। और दूसरे की चीज़ देखकर आप लोग उसको मैं मुझे बोल पाना है इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बात आपके मन से निकाल ही दीजिए। अगर उसको देख के आपको ईर्ष्या होती है ना, तो अच्छे काम पे कर लगाइए उसको। हाँ मुझे भी ये पाना है, तो मुझे अच्छे काम करके पाना है, ना कि बुरे काम। बुरे काम करने से आप ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते दोस्तों। चोर कभी पकड़ा नहीं गया है, हमेशा पकड़ा जाता है। 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, लेकिन पकड़ा ही जाएगा। तो हमेशा अच्छे काम कीजिए, ताकि लोग तो बुरा बोलेंगे। एक छोटे काम करने से ना लोग बुरा बोलते हैं कि ये वो ये काम कर रहा है। शर्म क्यों आएगी दोस्तों, हम चोरी करते हैं क्या? अच्छे काम करते हैं तो अच्छे काम में शर्म क्यों आएगी? एक चोर को तो चोरी करने से उसको नहीं आता है, कभी शर्म आता है? वो बोलता है कि चोरी करने से मुझे अच्छा लगता है। तो कम सोचे और अच्छा सोचे दोस्तों, इसी का मतलब यही है कि हर टाइम कम ही सोचे और जितना भी सोचे अच्छा ही सोचे कि मुझे अच्छा काम करना है। योगा और मेडिटेशन, ये मेन बात है दोस्तों। आजकल लोग जिम में जाकर बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, क्या फैशन हो ना, फोटो उठाएंगे, ये करेंगे। फोटो उठाने से क्या होगा, आप जिंदगी में सफल होंगे बॉडी दिखाकर? योगा कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, उससे आपकी बॉडी को ताकत मिलेगी और आपकी मन शांत रहेगा। जब बुरा काम करने से आपको बचाएगा, आपकी दिल ये कमज़ोर होने से बचेगा और आप कोरोना से भी बचेंगे, ठीक है ना। लोगों की सहायता कीजिए और उनको आप क्या थे, कोई कभी माँ की पेट से पैदा होकर वहाँ पे पहुँचा नहीं है दोस्तों। हर एक की फैमिली की बैकग्राउंड इतनी है, इतनी उसके बाद इतना हुआ है, उसको सोचिए। आप लोग को पता नहीं है तो आपके जो पिताजी के पिताजी हैं उनको पूछिए कि वो क्या करते थे, वो सफल कैसे बने हैं उनकी ज़िंदगी में। उनसे इंस्पिरेशन लीजिए ना, तभी जाकर आप सफल होंगे। ये खाली ये आप लोग ये जो आता है ना सब, ये जो देख लेते हैं मोबाइल में देख देख कर, इससे आप सफल नहीं होंगे। उसको देखिए जाके जिंदगी में क्या क्या किया हुआ है उन्होंने सफल होने के लिए, तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। और लोगों की दुख को देखिए। अभी अभी मैं देख रहा हूँ रास्ते में पड़े हुए लोग, एक बार खाना नसीब भी नहीं होता आज की टाइम पे, और गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है गवर्नमेंट दे देता है खाना। क्या खाना दे देता है? ये चावल 5 किलो देने से एक आदमी का पेट भर जाएगा? अरे तुम लोग तो एसी के रूम में बैठते हो ना, तुम लोग क्या जानोगे गरीब के दुख के बारे में? फील्ड में आके देखिए, तब पता चलेगा कि गरीब की दुख क्या होती है। तो गरीब की सहायता कीजिए अगर आपके पास है, नहीं है तो मतलब पैसा मत सब जगह काम नहीं करता है दोस्तों। कुछ ऐसी चीज़ है जो उनकी सहायता करने का मतलब पैसा ही नहीं है। कम से कम उनको हिम्मत दीजिए, उनके साथ जुड़िए, कैसे हैं उन लोग, कैसे रहते हैं। एक एक ड्रेस होता है उन लोगों के पास, साल साल भर पहनते हैं उसको, धो के सुखा के। 2 जोड़ी ड्रेस भी नहीं होती है। उनको देखिए, उनसे सीखिए। वो कभी हार माने हैं उनकी मन, वो कभी चोरी करने जाते हैं, उन खराब काम करने जाते हैं? बहुत कम है। ज़्यादातर लोग गरीब लोग कभी गरीब लोग ईमानदार होते हैं, ये याद रखिए आप लोग। तो उनसे सीखिए, खुद को अच्छा काम पे बिजी कीजिए दोस्तों। और प्रेजेंट आप अभी क्या है,
पहले क्या थे उसी को आप लोग अगर समझ जाएंगे ना, दिमाग में ढुका लेंगे अंदर, तो आप लोग कभी गलत काम करेंगे नहीं और आपकी मन को आप अपनी काबू में कर सकते हैं। और आप मन की बात सुनकर काम नहीं करेंगे, मन आपकी बात सुनकर काम करेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइज लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी हज़ारों वीडियो लेता लाता रहूँ और आपको इंस्पिरेशन देता रहूँ और मोटिवेशन दे के आपको कुछ अच्छा बना सकूँ।